मैं पूजा पेतलिया गुरुकुल एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर आज आपको 8th क्लास का व्याकरण का चौथा पाठ पढ़ाऊंगी। कारक है ना, कारक के बारे में पढ़ेंगे अपन। कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। प्रत्येक बार वाक्य में क्या होती है? क्रिया अवश्य होती है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं, है ना। जैसे राम ने रावण को मारा, मोहन कुर्सी पर बैठा है, ठीक है। अब एक कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं कारक? 8। संस्कृत में इन कारकों को विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक का चिन्ह निर्धारित है। कारक के चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। कितने कारक होते हैं? 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इसके चिन्ह कर्ता ने, विभक्ति क्या है? प्रथमा, संस्कृत में विभक्ति बोलते हैं। कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को, अपादान से, संबंध का, की, के, रारी, रे, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन, हे, रे, अरे, ओ, है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कर्ता कारक के बारे में। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता ने, है ना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के, क्रिया काम करने वाले, है ना, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं, है ना। जैसे राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में लिखा क्या है? क्रिया है। प्रश्न उठता है कि पत्र लिखने की क्रिया किसने की? तो राम ने, है ना। अतः राम लिखा क्रिया का करने वाला कर्ता है। इसी प्रकार सिपाही ने चोर को पकड़ा, राम ने रावण को मारा, बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया, सोम मोहन पुस्तक पढ़ता है, विभा पात खाएगी। ये क्या हो गया? कर्ता कारक के बारे में, है ना। अब पढ़ेंगे कर्म। कर्म कारक, कर्म कर्ता ने कर्म को, इसका चिन्ह क्या है? को। तो वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले का कार्य का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में राम द्वारा किए गए कार्य का फल रावण पर पड़ रहा है, अतः रावण यह क्या है? कर्म कारक है। इसी प्रकार माँ बच्चे को दूध पिला रही है, रमेश ने मोहन को उसको पत्र लिखा, पिताजी पुस्तक ले आए, राजू बाजार गया है, राम पुस्तक पढ़ता है, है ना। करण कारक का चिन्ह क्या? करण से, के द्वारा, है ना। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जिस संज्ञा में प्रयुक्त जिसकी सहायता से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक। जैसे राम ने कलम से पत्र लिखा, है ना, राम ने कलम से पत्र लिखा। किसकी सहायता से पत्र लिखा है? कलम की सहायता से। किसकी सहायता से पत्र लिखा है? कलम की सहायता से। अच्छा, यहाँ कलम लिखने का साधन है वस्तु, है ना, वस्तु कलम करण कारक है। इसी प्रकार सीता चाकू से फल काटती है तो चाकू से, मोहन लाठी से कुत्ते को मार रहा है, राजेश गेंद से खेल रहा है, मैं बस के द्वारा उदयपुर गया, रमेश ने डंडे से बिल्ली को भगाया, ये क्या हो गया? करण कारक, है ना। अब पढ़ेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? को, के लिए। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है, यहाँ चिड़िया दाना लाने की क्रिया कर रही है, इसके लिए क्रिया की जा रही है बच्चों के लिए, अतः बच्चों के लिए संप्रदान कारक है। इसी प्रकार राजेश मोहन के लिए आम लाया है, वह भूखे को अन्न देता है, सीता रेणु के लिए चाय लाई, रमेश खिलाड़ी के लिए पानी लाया है, चिड़िया बच्चे के लिए घोंसला बनाती है, है ना, ये क्या हो गया? संप्रदान कारक। अब अपादान कारक चिन्ह से अलग होना, है ना, जिससे किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे राम पेड़ से गिर पड़ा, वहां राम गिर पड़ा, कहाँ से गिर पड़ा? पेड़ से, अच्छा पेड़ से अपादान कारक है। इसी प्रकार पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, राजू बस से कूद पड़ा, चिड़िया पिंजरे से उड़ गई, छात्र विद्यालय से चले गए, सीता गीता से लंबी है, ये हो गया अपादान कारक। अब संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को जिसमें उसके किसी वस्तु के साथ संबंध का बोध होता है वो क्या कहलाता है? संबंध कारक कहलाता है। जैसे राम का भाई आ रहा है, या आने वाले व्यक्ति का संबंध किससे? राम से प्रकट हो रहा था, संबंध कारक है। इसी प्रकार यह तुम्हारा घर है, ये फल तुम्हारे हैं, मोहन की बहन आ रही है, यह पुस्तक मोहन की है, जयपुर के बाजारों में भीड़ रहती है, समझ में आ गया ना। चिन्ह का ध्यान रखना है ना। फिर अधिकरण कारक, चिन्ह है मे पर। जिन शब्दों से किसी क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे माँ कुर्सी पर बैठी है,
बच्चा पालने में झूल रहा है, माँ कहाँ बैठी है, कुर्सी पर, या कुर्सी बैठने की क्रिया का आधार है। इस प्रकार दूसरे वाक्य का बच्चा कहाँ झूल रहा है, पालने में, पालना झूलने की क्रिया का आधार है अर्थात कुर्सी में पालना अधिकरण कारक है। तो जैसे बिल्ली चटाई पर बैठी है, पुस्तकें अलमारी में रखी है, पेड़ पर बंदर बैठा है, कमरे में पंखा चल रहा है, राजेश पहाड़ पर चढ़ गया है, है ना, ये क्या हो गया अधिकरण कारक। अब है संबोधन कारक, जैसे संबोधन में हे, रे, अरे ऐसे बोलते हैं ना, जैसे वाक्य में संज्ञा के जिस रूप को बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे ओ अरे मोहन यहाँ आओ, यहाँ मोहन संज्ञा शब्द के जिस रूप में पुकारने का बोध हो रहा है अर्थात यहाँ संबोधन कारक है। इसी प्रकार बालकों कहाँ जा रहे हो, अरे रमेश यहाँ आओ, ओ भाइयों मेरी बात सुनो, राजेश तुम शीघ्र भाग जाओ, हे राम मेरी पुकार सुनो, ये क्या है, हे राम मेरी पुकार सुनो, है ना, ये इसे किसी को संबोधन देना है, किसी को पुकारना बुलाना, तो उसमें क्या होता है संबोधन कारक लगता है। अब क्वेश्चन आंसर अभ्यास के, राजू ने लाठी से सांप मार दिया, इस वाक्य में लाठी से हे कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। कर्म क्या है इसमें, राजू ने लाठी से सांप मार दिया, से किसमें आ रहा है करण कारक से, तो इसमें क्या होगा करण कारक। छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, वाक्य में पुस्तक है, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या संबंध कारक, पुस्तक पढ़ रहे हैं, है ना, बाल आज छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया कर्म कारक। अभी श्याम ने भोजन कर लिया, वाक्य में श्याम है, कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक या संबंध कारक, कर्ता कारक। राकेश घोड़े से गिरता है, वाक्य में घोड़े से, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। देवी की नंदन महेश को भोजन देता है, वाक्य में महेश को है, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, है ना। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति, पत्ता पेड़ से गिरा, बिल्ली मेज पर बैठी है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, हे भगवान रक्षा करो, कारक के आठ भेद होते हैं, है ना, ये आपको बुक में करना। अब ये क्वेश्चन आंसर दे रहा है कि कारक किसे कहते हैं, हिंदी कारक में हिंदी कारक कितने कारक, कितने जिनके चिन्हों को बताइए, विभक्ति किसे कहते हैं, रेखा कारक करना, ये सब आपको कॉपी में करने हैं। और ये ऑप्शन वाले और रिक्त स्थान ये बुक में कर लेना, और ये वाले सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं, लघु आत्मक और निबंधात्मक, चार क्वेश्चन है, चारों आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है, ओके बाय।